नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है वो है कि हम गोवा में रहते हुए किसी ना किसी मार्केट में जाएंगे, किसी बाज़ार की तरफ। तो अभी कोई भी ऐसी वीडियो मैंने जो नहीं बनाई थी जिसमें हमने किसी मार्केट टूर किया हो। अकॉर्डिंग टू मड़गांव शायद उस जगह का नाम है जिधर हम जाएंगे। तो ये एक बस स्टॉप है और इधर हम और मेरे मित्र दे आर बिजी ऑन द फोन, बस का वेट कर रहे हैं। सो जब बस आती है सो हम एक यहाँ से हम सफ़र शुरू करेंगे और आपको भी दिखाएंगे यहाँ की बस, यहाँ का जो सिस्टम है और मड़गांव का जो एरिया है वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ की मार्केट का ब्लॉग बनाएंगे और एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे मेरे नज़रिए से मड़गांव गोवा। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो इस समय मैं बताना चाहता हूँ जहाँ से हम बस पकड़ रहे हैं, जिधर से हम बस पकड़ रहे हैं उस जगह का नाम है बैटल बटीन, ऐसा कुछ नाम। तो बने रहिए मित्रों मेरे ब्लॉग में। एंड साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वीडियोस में जब मैं एनालिटिक्स में देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन उसको वीडियो को जो सब्सक्राइबर हैं, मतलब ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो छोटा सा एक सपोर्ट आपसे चाहिए और वो है अपनी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको ज़रा टाइम लेके दबा दीजिए। मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन का एक कारण होगा और आपका मैं बहुत आभारी हूँ। सो दिस इज़ द बैटल बटीन राइट नाउ। और इसी चौक से हमें बस मिलेगी एंड विल मूव टूवर्ड्स दी मड़गांव। तो बने रहिए। तो गाइस ये वो बस है जिससे हम अभी उतर के आए, हालांकि मैं चाहता था ये जो सामने है और उस किस्म की कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो गोवा में होती हैं, हालांकि मैं चाहता था कि मैं आपको बस के अंदर का दिखाऊं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था वो जो बस थी, भीड़ होने की वजह से मैंने बस के अंदर से ब्लॉग शुरू नहीं किया, लेकिन ये है जी मड़गांव और ये इस प्रकार की मार्केट है यहाँ। तो मैं ये चाहता था कि मार्केट में भी आपको घुमाएं। तो ये हमारे भाई साहब पहले भी आए हैं यहाँ पे। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे गोवा है, तो गोवा तो है लेकिन गोवा नाम की कोई जगह नहीं है, इसको मड़गांव को हम गोवा बोलते हैं। अच्छा, गोवा जो कोई स्टेट है लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ गोवा बोला जाता है किसी का जगह को प्रॉपर। अच्छा, जैसे आपका जम्मू है तो जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर। अच्छा, लेकिन जम्मू है ना, इतनी पर बात तो है नहीं। चलो ठीक है, हाँ जी। अच्छा, वो ये गोवा में ऐसी कोई जगह नहीं है कि हम गोवा बोले उसको, तो ये मड़गांव, ये अलग अलग जगह गोवा तो स्टेट का नाम है, पणजी जो है वो गोवा का जो है वो राजधानी है। अच्छा, तो मित्रों खैर आपको ये मैं ये दिखाना चाहता था मार्केट यहाँ की। तो खैर हालांकि मतलब मैं भी दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट टाइम हियर, सो जो भी मैं एक्सपीरियंस अपने हिसाब से करूँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग बट किस्म का पार्क है यहाँ पर। और इट्स नॉट द बिजी मार्केट लाइक जैसे होती है। और मारगांव म्यूनसिपल काउंसिल, ये मड़गांव, मैं इसको हमेशा मारगांव पढ़ता रहता था जब द वेरी फर्स्ट टाइम आई रेड दिस नेम, बट इट इज़ एक्चुअली मड़गांव। तो ये एक पार्क है, लेट्स गेट इन द के पार्क में है। ये हम देख सकते हैं यहाँ की ब्यूटी और इस किस्म का ये पार्क है जी। इस पार्क का नाम क्या है ये नहीं हम जानते, बाद में कभी बोर्ड भी नहीं लिखा, बोर्ड पे भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन चलते हैं जी इस पार्क के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं और घूमते इस पार्क में यहाँ की खूबसूरती देखते हैं। तो किसी से बातचीत भी करेंगे तो इस पार्क का नाम क्या है वो भी पूछेंगे। इस पार्क का नाम गार्डन, सिर्फ गार्डन लिखा हुआ है,
और यहाँ पर ये कोई सन लिखा हुआ है 1941, ये जो घास का जो मैं पढ़ पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं जी, पार्क ये नहीं है। सर नमस्कार। 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 इस पार्क का नाम क्या है? पार्क गार्डन में म्युनिसिपैलिटी का। अच्छा, ये एमएमसी का है। अच्छा अच्छा, सिंपल गार्डन है। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये दरअसल जो म्युनिसिपल कमेटी है, जो म्युनिसिपल काउंसिल है गोवा का, बिल्कुल उस ऑफिस के बिल्कुल सामने ये पार्क है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग लाइक द मेंटेनेंस थिंग। आई मीन यहाँ पर इन्होंने कुछ लगाया, बट जो पार्क है वो अंदर की तरफ है, सो आई वॉन्ट गो ये। हालांकि यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो मैं वापस यहाँ से जाऊँगा और जो पार्क का जो मेन हिस्सा है उस पार्क के अंदर, हालांकि दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्क, लेकिन जो मेन है वो हम जाएंगे। यहाँ पर कुछ शायद ये स्टाफ का होगा कुछ, तो बढ़ते हैं जी आगे। तो ये जी, मैं जब पूछा नाम क्या है, तो बोला जी गार्डन। बस सामने वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, दैट इज़ द म्युनिसिपल काउंसिल गोवा, और ये है पार्क। सो आई थिंक द एंट्रेंस इज दिस, मतलब जो मेन है। सो चलो चलते हैं जी अंदर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोग, मैं कुछ लोगों से बात भी करना चाहूँगा ताकि हम थोड़ा बातचीत करके, ये हमेशा मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। सो ये इस पार्क की आप खूबसूरत देख सकते हैं, ये एक कुछ स्टैचू सा यहाँ पर है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है जी अगस्तिनो विसेंटे, पता नहीं क्या, शायद इनका जन्म जो 1822 को हुआ था। सो जो भी इनके बारे में हिस्ट्री है, प्लीज़ जो व्यूअर्स हैं जो जानते हैं इनके बारे में ज़रा हमें बताएं, प्रकाश डालें। और जी मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच ये पार्क है, जिधर अगर आपको कभी, हमेशा ऐसा होता है कि अगर आपको मार्केट में कुछ वेट करना है, किसी का कुछ करना है, तो यू कैन जस्ट। तो यहाँ पर कुछ लोग वेट कर रहे हैं। आप ब्रदर लोकल हैं यहाँ के? कहीं और से? केरला से आया। ओके ओके, तो ये केरला से हैं दरअसल। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर का कोई लोकल आदमी मिले तो उनसे हम बातचीत करें, सो दैट वी कैन नो मोर अबाउट दिस पार्क। तो यहाँ पर भी हमारे कुछ लोग बैठे हुए हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। हेलो, आप इधर के रहने वाले हैं? कहाँ के हैं? हाँ, आपकी मुस्कुराहट से आपने दिल जीत लिया मेरा। अब अपना नाम भी बता दो। छोटू। असली नाम क्या है? छोटू कुमार दास। छोटू कुमार दास। और ब्रदर आपका नाम? संदीप कुमार मिश्रा। आप भी झारखंड से हैं? हाँ, यूपी से। यूपी कहाँ से? तो यहाँ पर घूमने आए हैं, किसी काम के प्रति आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं? ये इतना हंसते क्यों है ये छोटू भैया? इतना क्यों हंसते हैं भैया? कहाँ हंसते हो बबुआ? दिल टूटा ना। दिल टूटा जो हंस रहा है ये? क्या बात, क्या बात। सो इस किस्म के भी हमारे कुछ मिजाज यहाँ पर लोग मिल जाए तो अच्छा होता है। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू नो दैट इफ ही इज लोकल, बट ही इज नॉट। तो जी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अभी किसी से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि यदि हमें कोई यहाँ पर भी कोई लोकल आदमी मिल जाए, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है। सो यहाँ पर एक स्टैचू है, मेरे ख्याल में ये उन्हीं का है जो पीछे था, बट आई डोंट नो। सो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, बट आई कैन नॉट रीड प्रॉपरली एक्चुअली। ट्रिब्यूट फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा टू द, आई एम सॉरी आई कैन नॉट रीड इट। लेकिन जो भी अगर कोई जानता है कि मतलब मैं ये कौन है, सो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें इसके विषय में जानकारी दें, ताकि जो इसके दोस्त हो इसके बारे में जान सकें। एंड देन इस पार्क के बिल्कुल अंत में वहाँ पर शौचालय भी है, आप शौचालय में जाकर एमरजेंसी के मतलब एमरजेंसी के व्यवस्था अवस्था में आप जा सकते हैं। सो यहाँ से हमें शायद बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ से ये एक गली है जो आपको वहाँ से जोड़ते हुए तो उस तरफ जोड़ेगी। हाँ जी भैया, कैसे हैं? ठीक है। ये भी पार्क है? अच्छा जी, ये भी एक पार्क है। हम इन शायद इसी का हिस्सा होगा, एंड देन यू विल गेट सम स्पेस टू सिट हियर।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भाई साहब बैठे भी हुए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ है और ये एक छोटा सा ब्रिज है इधर से हम चल रहे हैं। पानी तो फिलहाल मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा बट डेफिनेटली व्हेन सन गोज डाउन और शाम होती है तब ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ फवारा छोड़ा जाता है जिससे शायद इसकी सुंदरता पे चार चांद लगते होंगे। सो यू कैन सी द स्टाफ हियर जो शायद इस पार्क को मेंटेन करते होंगे एंड एवरीवेयर यू विल सी द कोकोनट ट्रीज सराउंडिंग यू। वो ऑब्वियस है क्योंकि आप गोवा में हैं तो काफ़ी घूमने के लिए काफ़ी अच्छा स्थान मुझे लग रहा है ये लोग यहाँ पर आते होंगे चिल करते होंगे और यहाँ पर भी अभी मुझे पानी तो दिख नहीं रहा सूख चुका है ये सारा। और सो मित्रों एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके द्वारा सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत बड़ा हौसला मिलेगा और छोटी सी सहायता भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। सो ये सारा पार्क है उस तरफ से मेरे ख्याल से ये बंद है तो आई विल मूव बैक। तो जी ये सामने ये मतलब मार्केट के बीचों बीच है जैसे मैंने आपको बताया और मार्केट के बीचों बीच होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते होंगे। देखिए एक छोटा सा घर बनाया हुआ है और इस घर में कुछ रहने के लिए कुछ ये सिर्फ शो के लिए घर बनाया होगा। तो मित्रों आई थिंक पार्क का मैंने तो पूरा दौरा कर ही लिया है। पार्क के उस तरफ मुझे एक बोर्ड दिख रहा है जिधर शायद इस पार्क के विषय में कुछ जानकारी यदि हो तो प्राप्त हो सकती है परंतु उससे पहले कि मैं वहाँ पर जाऊँ तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इस तरफ रुख कर लेते हैं ताकि इधर कुछ माएँ हैं बच्चे हैं जो मतलब बच्चों के साथ माएँ खेल रही हैं तो मतलब यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं बच्चे खेल सकते हैं और ये भी खेलने के लिए कुछ और ये कुछ लिखा हुआ है जी अब ये अंग्रेजी भाषा है कि क्या आनंद स्क्रिप्ट जो है वो तो रोमन सी है लेकिन भाषा मुझे लगता नहीं अंग्रेजी है कौन सी भाषा है रोनो बताएं कमेंट में। बढ़ते हैं जी आगे। सो मित्रों मैं फिर से वापस बढ़ रहा हूँ जिससे ये मैंने शुरुआत की थी पार्क में। सो पहले मैं इस तरफ से आया था अब मैं दूसरी तरफ से जाऊँगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से बता दिया जाए ताकि तुम तो यहाँ पर ये जैसे मैंने आपको कहा कि वॉशरूम के लिए जगह है और पहले मैं इस तरफ से आया था जिससे जिस तरफ से ये ब्रदर ये लोग आ रहे हैं और उसके बाद अब मैं इस तरफ से आऊँगा और वो देखिए मेरे मित्र जो हैं वो वहाँ पर घूम रहे हैं मित्र वहाँ पर घूम रहे हैं। कुछ बोलना चाहते हो? Yeah, I have seen this beautiful park. Uh-huh. It is just on the mid of the Goa. Wow. So, what do you want to say? It's the peak point of the Madgaon. Uh-huh. It's the peak point of Madgaon. Peak point. Yes. Okay. It is on the center of the Madgaon. But very beautiful flowers. There is one mountain also. There a fountain also. Uh-huh. So it's not working. But the flowers are very nice. Uh-huh. So you can see here different kind of flowers. Uh-huh. Very beautiful. So you can so do you have any idea the names of those flowers? I don't know the names of because there are a lot of varieties of the flowers. So anyone you know? You just watch and enjoy. Oh yes. So continue करेंगे हमारे ब्रदर ने कहा watch and enjoy. तो ये सॉरी मैं उस तरफ से आता हूँ क्योंकि मैं उस तरफ से नहीं आया। तो जी ये देखिए हालांकि जो भाई बोल रहा था बिल्कुल सही बोल रहा है। सो मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके आपको पूरे पार्क का एक घुमा के व्यू दिखा देता हूँ इस प्रकार का।
तो जैसे मैंने आपको कहा कि आई वॉज लुकिंग फॉर सम पर्सन हु कैन टेल अस मोर अबाउट दिस पार्क. आई मीन ऑब्वियसली द पीपल द गोवंस ऑलरेडी नो अबाउट देयर यू नो दिस देयर प्लेस, बट द पीपल हु आर फ्रॉम आउटसाइड लाइक मी और मेरे द्वारा शायद और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे, कुछ हमारे लोकल लोग बैठे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर वो तैयार होते हैं तो. सो ब्रदर आप यहीं से हैं लोकल, सो थोड़ा इस पार्क के बारे में थोड़ा इस जगह के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें. मडगांव एरिया है. हाँ मडगांव, उतना कुछ खास नहीं है. अच्छा अच्छा, तो ये जो पार्क है ये शायद म्यूनसिपल काउंसिल का. हाँ, तो मतलब आपका मडगांव जो है ये एक बड़ा सिटी है. गोवा का मेन सिटी है. अच्छा, गोवा पूरे गोवा का मेन सिटी है ये. यार एक पणजी है. पणजी है. पणजी यहाँ से कितना दूर है? 35 किलोमीटर. 35 सिर्फ. अच्छा अच्छा, तो ये आपका पूरे गोवा का सबसे बड़ा सिटी मेन यही है. और पणजी के मुकाबले ये बड़ा है कि वो पणजी वाला बड़ा है? हाँ जी, क्लीनिंग में सफाई में पणजी बचा है. ओ अच्छा, क्लीनिंग में सफाई में पणजी अच्छा है, लेकिन मतलब मार्केट के हिसाब जैसे बहुत सारी ये अच्छा है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिल सकती है लेकिन शायद पणजी में ना मिले. अच्छा, इधर ही मिलेगा. तो मतलब यही मार्केट आगे पीछे यहाँ कहीं आगे? अंदर है ना मार्केट. ओ अंदर की तरफ. अच्छा, छोटा है, कुछ बड़ा नहीं है. अच्छा अच्छा, स्मॉल है, मतलब बहुत छोटा है. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू. आपने बताया, सो आपका शुभ नाम बता दीजिए. हसन शेख नाम है. ओह हसन शेख जी. और आपका नाम? नूर इस्लाम. आपका नाम? शिव प्रसाद. शिव प्रसाद, चलो जी बहुत अच्छा, आदाब से और आपको नमस्कार. तो चलते हैं आगे. और हमारे कुछ भाई थे जिन्होंने हमें कुछ जानकारी दी, एंड ही वाज टेलिंग दैट दिस इज द ओनली बिग सिटी इन गोवा विच इज़ कॉल्ड मडगांव. और इसके अलावा पणजी, पणजी जो कि शायद साफ़ सफाई में इससे थोड़ी सी ज़्यादा मॉडर्न होगी. और ये कुछ फूल सा उन्होंने बनाया, एंड दिस इज़ द फाउंटेन जो हमारे पीछे भाई बता रहे थे इसके बारे में, बट इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ. और फूल वगैरह यू कैन सी हियर. सो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो यहाँ का पार्क मैंने कवर कर लिया है, सो मैं थोड़ा सा आपको इस पार्क के कोने में लेके जाना चाहता हूँ ताकि जो यहाँ से बाहर का नज़ारा है वो भी मैं आपको दिखा सकूँ. तो अगर आपके इस वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव है तो आप ज़रूर अपने दोस्त को आप ज़रूर सुझाव दें, आपके सुझाव का स्वागत ज़रूर है. और इस तरह मैं थोड़ा सा कोने में जाना चाहता हूँ. पार्क की मेंटेनेंस तो बहुत बढ़िया कर रखी है उन्होंने, तो मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ पार्क के बाहर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ ताकि बाहर यहाँ पर क्या है. हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि इसके अलावा कहीं और यदि हम थोड़ा मार्केट में घूमें, बट बिफोर वी गो आउटसाइड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से. तो ये इस तरफ बाहर का नज़ारा है जी. बिल्डिंग्स यू कैन सी, शायद कुछ ऑफिस यहाँ पर होंगे और ऑफकोर्स कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, कुछ स्टोर्स हैं और. और भाई साहब कैसे हैं आप, यहीं से हैं? गोवा के रहने वाले? अच्छा अच्छा, कहाँ से आप? बलगाम का, अपना कर्नाटका. अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में? लेबर काम करते. लेबर काम करते हैं. अच्छा अच्छा, तो यहाँ से आपका गांव कितना दूर है? 200-250 से. तो वहाँ पर काम, मतलब वहाँ पर थोड़ा कम काम नहीं है, फिर से आप यहाँ पर आए? काम पगार अच्छा मिलता है. ओ अच्छा अच्छा, इधर पगार अच्छा है. उधर कितना दिहाड़ी इधर कितना है? अभी तो मैं बहुत साल हो गया. अच्छा, काफ़ी सालों से इधर ही रहते हैं. अच्छा, लेकिन फिर भी कोई अंदाजन अभी गोवा में कितना दिहाड़ी है? 750 वो जो मिस्त्री है उसका 900 के करीब. तो मतलब काम डेली मिल जाता है या कभी कभी कुछ? डेली मिलता है, कम मिलता है कभी नहीं मिलता है. लेकिन महीने में कितने दिन? वो रोज काम जाने वालों को मिलता है. तो आज आज आप नहीं गए? मैं नहीं गया. अच्छा, आप नहीं गए तो मिलता है, ऐसे समझ लेगा मिलेगा. अच्छा, बहुत टाइम ऐसा भी होता है ना. अच्छा अच्छा, तो आप भी कहाँ से बोला आपने? कहाँ से? कर्नाटक से. नहीं, कुछ आपका गांव का नाम बोला ना आपने. बेलगाम से आए. बेलगाम से आप भी वहीं से हैं? नहीं, गोवा का. अच्छा, आप गोवा के रहने वाले हैं. अच्छा 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 अच्छा, तो इस ये जो मैं आपसे जानना चाहता था, ये जो कुछ मूर्तियां वगैरह हैं ना, जैसे ये स्टैचू है वो स्टैचू है, ज़रा बताएंगे आपको कुछ जानकारी है किसका स्टैचू है?
थोड़ा सा जितना हमें बताएं सर। नहीं स्टैचू जब बोलता ना स्टैचू ना करने का, हाँ ये स्टैचू वो ना उसका नहीं, हाँ ये हमारा ऐसा घर का भी स्टैचू रखता ना, हाँ देव का ऐसा, हाँ ये मैं ये नहीं मानता। नहीं नहीं मतलब जैसे ये स्टैचू ये कौन थे कुछ पता है? ये पहला उसने काम किया ना, हाँ मर गया तो उसने पहला लोग ऐसा रखा तो ऐसा रखा। ओके ओके ओके। उन्हें एक्चुअली हमारा मन के पहला कौन किया देव कुमार गांधी ने। तो आप कौन सी कोंकणी भाषा बोलते हैं? हाँ कोंकणी। कोंकणी कोंकणी में कैसे बोलते हैं आप? कैसे हाउ आर यू? कैसा है तुम? मुझे तू कैसा है? हाँ कैसा है तुम? कैसा है तुम? और कोंकणी में थैंक यू कैसे बोलेंगे? देव बरे करो। देव बरे करो। देव बरे करो। और हाय नमस्ते की जैसे हम नमस्ते बोलते हैं वो कैसे बोलेंगे? हेलो। हेलो कोंकणी में भी? हेलो कोंकणी में ऐसा बोल। हां बर मरे तो ऐसे मिटे थोड़े। कैसे? बोरा मरे तो ऐसे। बोरा हमरे तो बोरा बोरो आसा मरे तो बोरा असे मरे तो कैसा तू ऐसे में थोड़े ऐसे जी जाप करते हैं ना तू, लेकिन जो बड़ा होगा जैसे आप मुझसे बड़े तो उसको कैसे बोलेंगे? कैसा बर मरे ऐसे में? कैसा बर मरे ऐसे में? कैसा कैसा बर मरे शुरू? आपका बर मरे अच्छा लगा। आपका शुभ नाम? शुभ नाम हमारा नाम बेरनाबे। बेरनाबे बेरनाबे। ओके थैंक यू बेरनाबे जी, आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू जी। सो मित्रों आगे बढ़ते हैं। मैंने वॉज ट्राइंग टू लर्न लिटिल कोंकणी फ्रॉम हिम और मैंने उनसे पूछा भी कि कोंकणी में कैसे हो और मतलब थैंक यू किसी को नमस्ते बोल रहा हूँ तो कैसे बोलते हैं। वॉज ट्राइंग टू से समथिंग बट अनफॉर्चुनेटली मैं ग्रैब नहीं कर पाया बिकॉज थोड़ा इतना मतलब थोड़ा ऑब्जर्वेशन में थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ, आई कैन नॉट ऑब्जर्व दैट मच। लेकिन फिर भी कुछ इन लोगों से मैंने बात की यानी ये थोड़ा फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ पार्क का जो नज़ारा है और इसके सामने बिल्कुल मड़गांव जो है वो। सो उसने कहा कि उस तरफ मार्केट है जी, वो मार्केट है, ये मार्केट है और यहाँ का जो पार्क का ब्लॉग है वो इतना ही। जल्दी ही आपके साथ मैं अगले ब्लॉग में आपसे मिलूंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बड़े दिनों से नहीं बोला। जय हिंद, जय टूथर, जय भारत, जय गोवा और अपने घर में मस्त रहें, स्वस्थ रहें।